6 लाख वोट हम पा लेंगे और अभी आंकड़े जो हैं 4,98,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे कि बीजेपी लगातार कह रही थी कि 11 सीट जो है वो पूरे बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन एक सीट जो अभी तक फंसी हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2019 के बाद जनता जनार्दन का विश्वास और दोगुना बना है। अभी जिस प्रकार से आंकड़ों को गिना जा रहा है और ध्यान पर रखा गया है टोटली, तो सब एक आशंका लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार कहीं ना बन जाए, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, इतने सारे आंकड़े आ चुके हैं सुबह से कि आंकड़े कलेक्ट करते करते उसको गिनते गिनते हम थक चुके हैं और अभी यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल अभी इंपीरियर होटल में हैं, मगर मुझे अब खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का जो जोश, जो उत्साह है वो आपको दिखाना ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं वो क्या जोश और उत्साह है। देखिए उस ओर जो है, उस भीड़ के बीच में विजय बघेल जी है और माहौल इतना गर्म है और उस गर्म माहौल में भी विजय बघेल जी जो है चाय पीते हुए सभी से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो जीत है वो पूरी पक्की हो चुकी है। उन्होंने कहा था, उनके लोगों ने कहा था कि 6 लाख वोट हम पा लेंगे और अभी आंकड़े जो हैं 4,98,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं क्योंकि माहौल बहुत गर्म है और उस गर्म माहौल में वो चाय पीते हुए क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि विजय बघेल जी की जो जीत है वो आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं उनको। आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो है इनको बधाई दी जा रही है और गुलदस्ता से इनका सम्मान किया जा रहा है और गुलाब ही गुलाब दिया जा रहा है। तो चुनावी दौरे के दौरान जो है लगातार विजय बघेल जी चाय पर चर्चा कर रहे थे और इस वक्त जो है इतने सारे वोट पा जाने के बाद, जो आपने कहा था कि 6 लाख वोट पड़ जाएंगे मुझे और जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया था चाय पीते हुए, अब क्या कहना चाहेंगे? ये मैं नहीं, जनता जनार्दन के श्रीमुख से आवाज़ निकल रहा था, वो लोग नारे लगा रहे थे कि इस बार 6 लाख से पार और उसके नज़दीक पहुँचे हैं। 2019 के बाद जनता जनार्दन का विश्वास और दोगुना बना है और लोगों को विश्वास में हम खड़े उतरे उसके लिए सतत प्रयासशील रहेंगे। मैं जनता जनार्दन को इस दिए हुए जनादेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी परिवार के भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने 40-45 डिग्री में भी, जितने तापमान में भी घर घर जाकर जो अलग जगाया, जो उन्होंने कमल छाप खिलाया, जो मोदी जी के संदेश को पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों को, सिद्धांतों को पहुंचाया, आज उसका प्रतिफल है। इसके प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, उसके लिए मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि बीजेपी लगातार कह रही थी कि 11 सीट जो है वो पूरे बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन एक सीट जो अभी तक फंसी हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी गिनती बाकी है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो चिंतन का विषय है क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब ज़्यादातर कोरबा के लोग बता पाएंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी जिस प्रकार से आंकड़ों को गिना जा रहा है और ध्यान पर रखा गया है टोटली, तो सब एक आशंका लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार कहीं ना बन जाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, NDA की सरकार बनेगी जी, ये हमें पूरा विश्वास है जी। और कहीं न कहीं कुछ भ्रांतियाँ जो फैलाने का प्रयास किए विपक्ष ने, वो लोगों के मन में कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश में आया है, लेकिन जनता जनार्दन का आदेश शिरोधारी है, जनता भगवान है, देवतुल्य है जी। उनको नमन करते हैं, लेकिन जिस विश्वास के साथ मोदी जी के काम करने के जो तरीके हैं वो कभी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, परेशान भी नहीं होते, सतत अपने संकल्पों में चलते रहते हैं। माननीय अटल जी एक बार जब 2 सांसद आए थे तब कहे थे कि सूरज अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। 303 सांसद आए और आज अगर कुछ कमी हुई है तो उसके बारे में चिंतन होगा, आगे फिर एक बार कमल खिलेगा पूरे देश में और सरकार तो बननी तय है और उस सरकार के आधार पे मोदी जी के नेतृत्व में फिर ये देश आगे बढ़ेगा। और जो लोग सहयोग नहीं कर पाए किसी कारणवश, किसी भ्रम के स्थिति में, उनके मन में भी एक ग्लानि होगी कि हम क्यों नहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी का, NDA का, मोदी जी का सहयोग नहीं कर पाए, ताकि हम भी इस देश राष्ट्र के निर्माण में हमारी भी भागीदारी होती। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, खासकर दुर्ग लोकसभा सीट में साउथ समाज को लेकर काफी जरा सवाल रिजल्ट आ गया, सब समाज साथ रह के सहयोग, सारे समाजों का साथ, सारे समाजों का। चलिए ठीक है, तो विजय बघेल जी की जीत को लेकर जो उत्साह है आप पार्टी के लोगों के बीच में देख रहे होंगे और आगे क्या आंकड़े निकलने वाले हैं और देश में सत्ता किसकी बनेगी ये भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। KP News को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।